सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा में। तो कल हमने पार्ट पांच आत्मविश्वास यह खत्म किया है, ठीक है नहीं? सो अब क्या देखेंगे, आज उसके पश्चात देखेंगे। तो उस पार्ट में क्या था ना? कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, आत्मविश्वास है भरा होना चाहिए। हाँ, किसके अंदर धैर्य होता है वह आत्मविश्वास से ही जीता है, जीवन जीता है कि नहीं? ऐसा बना होता है, माना जाता है कि आत्मविश्वास से ही धैर्य उत्पन्न होता है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो ही हम धैर्य से मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है? सो ऐसे ही कौन था, एक शावर नाम का राजा था। सो उसकी फलिस्तीनों से क्या थी, दुश्मनी थी। सो अभी लड़ते लड़ते क्या हो गया था, सभी विजय पाकर वह थक गया था। तो थक गया तो क्या हुआ, डेली क्या होने लगा, उसको बेचैनी होने लगी। तो बेचैनी होने के बाद क्या किया, क्या हुआ कि राजा के जो कर्मचारी थे उन्होंने राजा को बताया कि दाऊद नाम का एक बालक है, वह बहुत चतुर है, बुद्धिमान है और वह वीणा भी बहुत अच्छी तरह से बजा लेता है। सो ऐसे ही वीणा बजा कर वह क्या करेगा, अपना मन बहला लेगा। सो दाऊद ने सॉरी शाऊल राजा के क्या किया, मान्यता देती उसको लाने की। तो आने के बाद क्या हुआ, वह वीणा बजा कर राजा का मन प्रसन्न करने लगा। तो एक दिन उनको सुनने में आता है कि गोलियत नाम का एक बड़ा सा राक्षस हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। सो वह दाऊद क्या करता है कि राजा से विनती करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, खतरनाक राक्षस था। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, हाँ ऐसा राक्षस था। सो दाऊद ने क्या किया, राजा से विनती की कि जब गोलियत राक्षस आएगा तो मैं उसे अपने गुलेल से, अपने गोफन से क्या करूंगा, उसका सर मोड़ दूंगा। ऐसे को क्या करता है, विनती करता है। सो राजा शाऊल को उसका आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये शायद ऐसा कर सकता है, ऐसे उसके मन में भी आता है शाऊल, राजा शाऊल के। क्योंकि उस दाऊद ने पहले बताया था राजा को कि वह अपने भेड़ की, भेड़ को जब लेके जाता था जंगल में चरने के लिए, सो तभी भेड़िया और शेरों से उनसे गोफन से क्या की थी, रक्षा की थी। सो वह उसको लगा कि राजा को हाँ यह शायद ऐसा करेगा, ऐसा उसको भी लगता है। तो एक दिन सचमुच वो दिन आता है कि वो गोलियत आ जाता है उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो वह क्या करता है कि सभी क्या करते हैं, अभी गोलियत तो आ गया, अभी सब डर के मारे क्या करते, जहाँ बड़ा सा पहाड़ था उसके सामने सभी पीछे छिप गए। छिप जाने के बाद वो दाऊद क्या करता है, सामने जाकर उसको चिल्लाता है और कहता है ये बुरे आदमी तुम अभी हमारे देश से क्या करो, लौट जाओ। हाँ नहीं तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, मैंने गोफर से तुम्हारा तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा खात्मा करूंगा, ऐसे वह बोलता है। सो वो गोलियत को क्या लगता है, ये बालक, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ देगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे चिल्लाता है, ऐसे हंसता है वो और क्या कहता है, हाँ तुम मुझे मारोगे, जरा दिखा दो तुम मुझे कैसे मारते हो, ऐसे बोलता है। सो वह दाऊद क्या करता है, अपने गोफन में, गोफन मतलब मैंने कल बताया था, सो बड़ी सी रस्सी होती है उसमें ऐसे बड़ा सा धागा बांध कर ऐसे ऐसे उसको सभी जगह से ऐसे घूम फूक कर क्या करते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे फेंकते हैं। सो फेंकने का निशाना अचूक होना चाहिए। हाँ फेंकने का निशाना, उस निशाने में वो क्या था, पारंगत था, हाँ तरबेज था, सो निपुण था, कुशल था। तो उसने वो फेंका, वो पत्थर कैसा था, गोल और चिकना था, स्मूथ सा पत्थर था। सो उसके दाई ओर लगा, उसके राइट साइड को वहाँ सर के सर पर लगा और लग कर क्या हो गया, वही नीचे गिर कर
मर गया। और मर जाने के बाद फिर सभी उसका अभिनंदन उसका स्वागत करने के लिए बाहर से पीछे से आ गए। तो यह एक छोटे से बालक ने कर दिखाया, उस राक्षस का खात्मा किया उसने। तो यह था आत्मविश्वास। हाँ, तो उस दौर के अंदर जितना आत्मविश्वास है, जितना आत्मविश्वास था, उतना ही आपके अंदर अंदर भी होना चाहिए। हाँ, कौचा भी काम दो, कौचा भी कुछ भी दो, हाँ मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा आपके मन में। अगर आपको आपके हाथ से हो या ना हो वो अलग बात है, हाँ, पर आपको ऐसे विश्वास होना चाहिए, हाँ नहीं मैं यह कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो यह आत्मविश्वास से बनकर ये क्या है, ये कहानी है। तो इसके अभी प्रश्न उत्तर मौखिक प्रश्न आप देखेंगे। तो देखो मौखिक कार्य, आज के युग में कैसे व्यक्तियों का जीवन सार्थक होता है, आज के जमाने में, आज के युग में कैसे व्यक्तियों का जीवन सार्थक होता है, कैसे आत्मविश्वास, जो आत्मविश्वासी है, जो आत्मविश्वास से पूर्ण है, उनका जीवन ही सार्थक होता है। दूसरा है, पांडवों ने कौरवों से, सॉरी पांडवों ने कौरवों के रचे गए प्रत्येक षड्यंत्र का विफल कैसे किया, षड्यंत्र को विफल कैसे किया, अपने आत्मविश्वास के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा ही उनके सभी षड्यंत्र को विफल किया। तीसरा है, फिलिस्तीनियों की सेना, सेना का वीर कौन था, फिलिस्तीनियों की सेना का वीर कौन था, उससे लोग क्यों डरते थे, हाँ उस सेना का वीर कौन था, गोलियत था, कौन था, गोलियत। और लोग उसे क्यों डरते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा भयंकर राक्षस था, इसलिए वे डरते थे। चौथा है, फिलिस्तीनियों से कौन से राजा की शत्रुता थी, वह कहाँ का राजा था, कौन से राजा की शत्रुता थी फिलिस्तीनियों से, शाऊल राजा, कौन से राजा की शत्रुता थी, शाऊल राजा की शत्रुता थी। और वह राजा कहाँ था, शाऊल राजा कहाँ रहता था, इसराइल में रहता था, कहाँ रहता था, इसराइल में। चौथा है, बालक, सॉरी पांचवा है, बालक दाऊद की विनती सुनकर राजा ने उसके विषय में क्या सोचा। देखो बालक दाऊद की विनती सुनकर राजा ने उसके विषय में क्या सोचा, क्या सोचा कि हो सकता है यह अपने उद्देश्य में सफल हो, क्या सोचा कि इसने जो बताया है, इसने बताए हुए उद्देश्य में यह सफल हो, ऐसे सोचा। पांच प्रसिद्ध है, फिलिस्तीनियों के वीर को किस पर क्रोध आया और क्यों, फिलिस्तीनियों के उस वीर को किस पर क्रोध आया और क्यों, किस पर आया क्रोध, दाऊद पर आया, है ना, उस गोलियत को किस पर क्रोध आया था, दाऊद पर आया था, क्यों, क्योंकि दाऊद ने उसे गोपन से मारने का, गोपन से मारना चाहता था, हाँ उसके सामने बोला था, है कि ये दुष्ट आदमी चले जाओ ना तो मैं तुम्हें गोपन से मार दूंगा, ऐसे बोला था, इसलिए वह उस पर क्रोधित था। बाद में लिखित कार्य, अभी क्या है, अभी लिखने का है, मौखिक कार्य मतलब सिर्फ ओरली क्वेश्चन आंसर से जो मैंने आपको बताया, फिलिस्तीनियों से, सॉरी लिखित कार्य, अभी इसराइल के राजा के कर्मचारियों ने इस बालक को और क्या कहकर राजा के सामने बुलवाना चाहा, इसराइल के राजा के कर्मचारियों ने इस बालक को क्या और क्या कहकर राजा के सामने बुलाना चाहा। तो उसका उत्तर क्या है, उत्तर क्या है इसका, दाऊद को इसराइल के राजा के कर्मचारियों ने, राजा के कर्मचारियों ने दाऊद को राजा के सामने लाना चाहा, बुलवाना चाहा, हाँ, और क्यों, क्योंकि वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है और
जब गोलियत राक्षस आएगा
उसे अपने बोपन से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करेगा, खुद। तो क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, देखो। दूसरा, उस बालक ने राजा के शत्रु के विषय में सुनकर राजा से क्या विनती की? हाँ, सो क्या विनती की? उत्तर क्या है? उस बालक ने शत्रु के विषय में सुनकर यह विनती की कि जब गोलियत राक्षस आएगा तब वह उसे अपने गोपन से मारकर अपने देश और लोगों की रक्षा करेगा। यह आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।